उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के 29वीं पुण्यतिथि के अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि उनके पैतृक ग्राम हरनही मऊराओं में उनके अनुज गुलाब सिंह ने उनके चित्र पर माल्यार्पण अर्पित की। वहीं इंदिरा बाल विहार स्थित वीर बहादुर सिंह प्रतिमा के समक्ष गोष्ठी एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बुधवार को स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के पुत्र पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक फतेह बहादुर सिंह, जितेंद्र बहादुर सिंह के अतिरिक्त गोरखपुर न्यूज टीवी चैनल के प्रबंध निदेशक व प्रधान संपादक हनुमान सिंह बघेल सहित कई गणमान्य लोग ने स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के पदचिन्हों पर चलने की शपथ भी ली। इस मौके पर आयोजित गोष्ठी के दौरान वक्ताओं ने स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के जीवन संघर्षों और उनके द्वारा समाज हित में किए गए कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जितेंद्र बहादुर सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल और पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक फतेह बहादुर सिंह ने कहा, जब तक सूरज चांद रहेगा वीर बहादुर नाम रहेगा। वीर बहादुर सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर बहादुर सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वो रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा वीर बहादुर नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा वीर बहादुर नाम रहेगा। वीर बहादुर सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चांद रहेगा वीर बहादुर नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा वीर बहादुर अमर रहे, वीर बहादुर अमर रहे। कल आज हम लोग विशेष रूप से पिताजी की 29वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं और उनकी स्मृतियाँ हैं जो उनके 29 साल गुजरने के बाद भी आज सभी लोग के दिलों में वो बसते हैं। वो एक विकास पुरुष थे, विकास की आधारशिला जो उन्होंने रखी आज से 29 साल पहले, उस विकास की आधारशिला पे आज तमाम विकास कार्य हो रहे हैं और गोरखपुर तट पर योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी का पुण्यतिथि आज है। वीर बहादुर सिंह की आज पुण्यतिथि है और वीर बहादुर सिंह ने शहर को बनाने के लिए बहुत सारे काज किए हैं और उन्होंने शहर को विकसित करने के लिए मिनी बॉम्बे बनाने के लिए इसकी कल्पना की थी। उस कल्पना को हमारे मोदी जी, जोगी जी मिल करके संवार रहे हैं और आपको जल्द ही ये चित्र आपको शहर में दिखाई पड़ेगा कि गोरखपुर वीर बहादुर सिंह के सपनों को साकार करेगा और गोरखपुर मिनी बॉम्बे बनेगा, एक बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र बनेगा, ये जल्द ही शहरवासियों को देखने को मिलेगा। आज 30 मई 2018 को स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी की पुण्यतिथि गोरखपुर जनपद कैंपियरगंज क्षेत्र में भी एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। लखनऊ में 3 माले मुख्य कार्यालय पर भी किया गया। उनके किए द्वारा किए गए विकास कार्यों पर चर्चा की गई, खासतौर से रामगढ़ ताल परियोजना जिस पर अभी कोई विशेष कार्य नहीं हो रहा है। हम लोगों की इस बात की चिंता है कि जो उनकी योजना है वो जल्द से जल्द प्रारंभ हो और वर्तमान सरकार से पूरी अपेक्षा है कि वे उनके किए हुए अधूरे कार्यों को, जो उनके छोड़े गए अधूरे कार्य हैं, उसमें आगे बढ़ने का काम करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे द्वारा गोरखपुर चिड़ियाघर की स्थापना की गई थी और उत्तर प्रदेश में मात्र 2 चिड़ियाघर थे पहले, तीसरा चिड़ियाघर गोरखपुर जनपद को दिया गया। उसी प्रकार नक्षत्रशाला वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला की स्थापना की गई, बुद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई, तमाम परियोजनाएं। लेकिन अभी जो शेष परियोजनाएं हैं, हम लोगों को पूरा विश्वास है परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी पर कि वो उनके अधूरे कार्यों को अवश्य पूर्ण कराएंगे अपने मुख्यमंत्री काल में। और गोरखपुर की जनता उनकी तरफ देख रही है कि स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के बाद, इतने वर्षों के बाद,
अगर कोई मुख्यमंत्री गोरखपुर से हुआ तो वो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हैं, और उन पर पूरा विश्वास लगाए है कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास के कार्य गोरखपुर में होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।